लगता है कि हम इसमें लिखना ही भूल गए। दादी जी, हमारे बात पर आप यकीन कीजिए, हम भुलक्कड़ जरूर हैं, लेकिन झूठे नहीं हैं हम। अगर आप लोगों को हमारे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो हम चलते हैं और कभी नहीं आएंगे। हम जा रहे हैं। एक मिनट, कहीं नहीं जाएगा तू, मैं तेरे साथ हूं। हम दोनों एक ही बिरादरी के, हम दोनों भूलते जरूर हैं, लेकिन हमारे काम में कोई खराबी ना होती, मुझे कसम है हमारी लाल किताब की, किसी को भी तुझ पे उंगली उठाने ना दूंगा। सुन रहे हो सब? कोई भी मेरे भाई को कुछ ना बोलेगा। और दादी, मेरे शादी के इश्तिहार की फोटो मेरा भुलक्कड़ भाई खींचेगा। अरे भैया, आप इन्हें तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मैं आपके लिए मंगवा रहा हूं ना मुंबई से एकदम स्पेशल फोटोग्राफर। है मुंबई, आप हमारा तोहीन कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे नाम का पूरे हरियाणा में तूती बोलता है, तूती। तो बस अब तय हो गया, सबल की शादी का इश्तिहार का फोटो यही खींचेगा। लेकिन दादी, अब दूसरा कोई फोटोग्राफर बुलाने की जरूरत ना है। अरे दादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादी, बहुत गौर लागत नहीं दादी जी, गौर लागत नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम शाम को ठीक 6 बजे यहाँ पर आ जाएंगे, आप लोग बहुत तैयार रहिएगा, तैयार। चल छोटे, तैयारी शुरू कर। और मैं भी सोच रहा हूँ कुछ नया करूँ, इस नए रूप में नई फोटो खिंचवाता हूँ, घना मजा आ जाएगा। चलो, जान बची लाखों पाए। अभी जान बची कहाँ है बब्बल जी? वो आदमी शाम को फिर से आने वाला है, अगर फिर से उसने नागिन वागिन का जिक्र किया तो? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, तो हम क्या करेंगे? सबल भैया को समझाते हैं, एक बार वो मान गए ना। वो तो मान जाएंगे बब्बल जी, लेकिन उस भुलक्कड़ को यहाँ आने से कैसे रोकेंगे? वो तो अब खुद को अच्छा फोटोग्राफर साबित करने पर तुला हुआ है। अरे बब्बल, अरे सुन भाई, क्या है, आज मेरी फोटो खींचेगी, कल अखबार में छप जाएगी, परसों रिश्ता तय होगा, पत्थर तो मेरी शादी हो जाएगी ना। ओह, अरे मतलब 3 दिन में मेरी शादी हो जाएगी? अरे हमारे पास तैयारी के सिर्फ 3 दिन है बब्बल। भाई तुम शादी की तैयारी कर लो, मैं चला। बब्बल जी, हम कहाँ फंस गए? अब उस फोटोग्राफर को आने से कैसे रोकेंगे? अब क्या है? कहे आप बार बार यहीं आके हमारा खोपड़िया खराब किए हुए? कहे हमारा बेइज्जती करके आपका पेट नहीं भरा है का? अरे अरे भाई साहब, आप तो बहुत ही उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। उखड़ेंगे नहीं का महाराज, आप 4 लोगों के बीच बैठ के हमारा बेइज्जती किए हैं। हमारा फोटोग्राफी जो कि हमारा गुरूर है, उसको आप घटिया बता देंगे? छोड़िए ना भैया, आप भी कहाँ छोटी मोटी बातों को लेकर। सब छोटी मोटी बात नहीं होती भाभी जी, आज आप घर में बोले, कल 4 लोगों के बीच बोलिएगा, परसों गांव में बोलिएगा, अरे हमारे तो दाना पानी बाजार से उठ जाएगा। जाइए आप लोग, आप लोग बातों करने का मन नहीं करता, जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, हम तो बस ये बताने आए थे कि, खैर छोड़ो, चलो। अच्छा, अरे ये बच्चा बड़ा प्यारा है, आपका बच्चा है? नहीं, हमारा नहीं है, ये तो सबल भैया का बच्चा है। भैया जी, हम माने कि हम भुलक्कड़ हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। जब संबल भैया का ब्याह ही नहीं हुआ है, तो बच्चा कहां से आ गया? अरे भाई साहब, शादी होने ना होने से बच्चे का क्या लेना देना? अरे बिना शादी के बच्चा नहीं हो सकता, हाँ? खैर ये सब छोड़िए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और याद रखिए, आज शाम को आप अच्छा वाला कैमरा लेके घर आना। सबल भैया एकदम हीरो लगने चाहिए, ठीक है? वो तो हम ले ही आएंगे, लेकिन बच्चों वाला बात हमारे हजम नहीं हो रहा है। एक चुटकी भर जीरा गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए, सब हजम हो जाएगा। लाओ। अच्छा, शाम को मिलते हैं।
अरे इच्छा, चलो बहुत लाड़ प्यार हो गया, अब जल्दी से बड़ा हो जा। लाड़ प्यार कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है मेरा। बाकू, तू मेरा सबसे लाडला भाई है ना, मैं तुझसे मदद नहीं लूंगी तो और किससे लूंगी? बस इतनी बात बोल दी, बात खत्म। नहीं नहीं, बात का खत्म, आज साले साहब को जमकर दूध पिलाएंगे। नारे बाबा, आज दूध पिलाओगे, पता नहीं कल क्या क्या करवाओगे। इच्छा, एक तुम कम थी जो तुम्हारा नेवला पति भी मुझे परेशान करने लगा है। पहले इच्छा बनो, फिर बच्चा बनो, अरे मुश्किल से तो वाकू बनने का मौका मिलता है। जो भी बोलो वाकू, तू जब नाराज होता है ना तो बहुत क्यूट लगता है। तो दुनिया का बेस्ट नाग है और मेरा बेस्ट दोस्त। जितना विश्वास मैं तुझ पर कर सकती हूँ उतना विश्वास मैं किसी और पर नहीं कर सकती, इसलिए मैं जब चाहूँ तुझे इच्छा बच्चा कच्चा सब बनना पड़ेगा, समझा? ठीक है। ऑर्डर की गद्दी दे। हाँ, शाबाश। ए माँ, ये छोरियों की तरह पाउडर क्यों लगा रहा? फोटो खींच रहे ना इसके लिए। शाबाश, ये पकड़। अरे बाबा छोटे, क्या लग रहा है तू? ऐसा लग रहा है तू दूल्हा नहीं, पिक्चरों में हीरो बनने जा रहा है। भाई आपके मुंह में घी शक्कर। चक्कर? अरे चक्कर आते दुश्मनों को, अच्छा खासा हट्टा कट्टा तो है, तुझे चक्कर क्यों आएगा? अरे भाई चक्कर नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके मुंह में घी शक्कर। बस शिव जी करें अच्छी सी फोटो खिंच जाए मेरी आज, उसके बाद आपको हीरो बन के भी दिखा दूंगा ना मैं। अरे जीरो तो तू है ही, अब तुझे जीरो से हीरो बनना है। अरे भाई मैं भी वही कह रहा हूँ, बस एक बार मैं हीरो बन गया ना, उसके बाद मेरे लिए हीरोइनों के रिश्ते आएंगे, 10-10 हीरोइनें लाइन में खड़ी होंगी। किसी की सीरत अच्छी, ओहो किसी की सूरत अच्छी, आहा ओ माय गॉड, इतनी सारी लड़कियां कैसे संभालूंगा मैं? मैं प्रबल भैया एक बात बताइए, हम तीनों भाइयों में से बड़े आप हैं, हूं होशियार है, हूं समझदार है, हूं एक ही नजर में आप जी को पहचान लेते हैं, हूं तो आप बताइए आपको फोटोग्राफर अजीब नहीं लगा? हूं ओ नहीं, अजीब तो वो है ही बब्बल जी, एक तो उसे ठीक से कुछ याद नहीं रहता, ऊपर से सुनने में भी प्रॉब्लम, सुनता कुछ है समझता कुछ और है और बोलता कुछ और ही है। मुझे तो लगता है वो सिर्फ भुलक्कड़ नहीं, उसका दिमाग ही खराब है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम इच्छा, जो बात हमने कही नहीं वो बात हमारे सर मर देता है। और आपको याद है जब बब्बल जी ने मुंबई से फोटोग्राफर लाने की बात की तो उसने क्या कहा? मैंने भी मुंबई में 10 साल काम किया है, यही बात उसने इससे पहले क्यों नहीं बताई? सबल भैया अब भी वक्त है, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके लिए मुंबई से दूसरा फोटोग्राफर मंगवा लेता हूँ। अरे नहीं चाहिए तेरा मुंबई वाला फोटोग्राफर मुझे। दादी मेरी शादी की फोटो तो मेरा भुलक्कड़ भाई कन्हैया ही खींचेगा। भाई मैंने अपने दोस्तों से भी बात की है, उन सब की शादी की फोटो कन्हैया ने खींची थी और क्या मस्त खींची थी। कसम गंगा मैया की। कसम गंगा मैया की, एकदम सही कह रहे थे आपके दोस्त भैया जी, एकदम सही कह रहे थे। दादी जी प्रणाम। प्रणाम। तैयार हैं आप भैया जी? मेरे बच्चे कले दो। भैया जी प्रणाम। अरे आपको तो देखते ही ऐसा लगता है ना जैसे कुछ जरूरी बात हम भूल रहे हैं। अरे कन्हैया भाई बब्बल को छोड़ो, इस सब्बल के बारे में सोचो, कब से तैयार बैठा हूं मैं, चलो शुरू करते हैं ना। अरे भैया यहाँ आइए ना, चौकटा कीजिए इधर और मुखला कीजिए उधर, उसके बाद आपको जैसे पूछ देना दीजिए, हम खींचते टकाटक फोटो आपका खटाक। क्या करते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आता नहीं ना मुझे, पहली बार है मेरा। अरे छोरे पहलवानों की तरह खड़ा हो ऐसे करके। बिस्कुट दिखा अपने।
देता हूं मैं। हाँ अरे वाह, मारा सबल तो बिल्कुल दिलीप कुमार लग रहा है। नहीं नहीं दादी, ये बिल्कुल मेरे फेवरेट हीरो की तरह लग रहे हैं। कौन? सलमान? नहीं। शाहरुख? नहीं। ऋतिक? नहीं 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 नहीं। तो आमिर? नहीं 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 नहीं। अरे ना ना, वो अपने जग्गू दादा का जो छोरा है, क्या नाम है उसका, वो टाइगर। हाँ टाइगर, टाइगर। नहीं। बोल 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 बोल। हाँ बोल। याद आया। कौन है कौन है? बोलो बोलो बोलो। चंकी पांडे। मैं चंकी पांडे। खींचो ना। कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ अलग करते हैं, अलग इमोशनल टाइप वाला। मतलब क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बहुत सिंपल है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा चाहे कोई पालतू जानवर वनवर हो। ये है जी। अरे नहीं तुम जाओ बेटा, कोई छोटा सा बच्चा, छोटा मतलब उसको ऐसे लेके पप्पी ले सके, उसके साथ कैगो फोटो है, उसको सिर्फ कलेजा से चिपका ले लेंगे, उसके बाद कैगो फोटो, पूरा इमोशनल एकदम क्यूट टाइप का पूरा। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन कन्हैया भाई हमारे घर में गोद में उठाने वाले साइज का तो कोई बच्चा है ही नहीं। कहे आपका बच्चा है ना? मेरा बच्चा? अरे मेरी शादी कब हुई? आपकी शादी नहीं हुई है पर आपका बच्चा तो है। छी 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 पिताजी। पिताजी छी? क्यों? आप नहीं छी पिताजी, वो छी। देखिए ना कैसा आदमी, कुछ भी बोलने जा रहा है। आज कह रहा है बिना शादी के बच्चा पाल रखा है, कल कहेगा हाथी पाल रखा है, परसों कहेगा कुत्ता पाल रखा है, तरसों कहेगा नागिन पाल रखी है। नागिन? तब याद आया नागिन। आप कह रहे थे ना कि आप अपने घर में नागिन पालक हैं, वही नागिन हुआ है जबकि शादी के सारे फोटो में ऐसे ही फन फैला के घूम रही थी। ओहो हो, तो अब तुम ये भी कहोगे कि मैं सबल भैया के बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आया था, तुम उस बच्चे को देख चुके हो? हाँ हाँ हाँ, देखे थे आप सबल भैया के बच्चा को, आप लेकर आए थे वहाँ पे, हम देखे थे। लो, ये आदमी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अरे इच्छा सही कह रही थी इसके बारे में, ये भुलक्कड़ ही नहीं इसका दिमाग भी खराब है। देखिए भैया जी, हम मानते हैं कि हम भुलक्कड़ हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि आपके जॉन जी में आएगा, आप कहते रहिएगा हम हाँ में मुंडी हिलाते चले जाएंगे। पहले आप लोग अपने में डिसाइड कर लिए, फिर बाद में हमको बुला लीजिएगा। चलते हैं हम। प्रणाम। देखा भैया, इच्छा सही कह रहे थे, ये आदमी भुलक्कड़ ही नहीं का दिमाग भी खराब है। शायद तू ठीक कह रहा है बब्बल, छोटा भाई माना था मैंने इसे अपना, मेरे कैरेक्टर पे लांछन लगा गया। पिताजी, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई अब तक। बब्बल जी, वो फोटोग्राफर वाकई में पागल हो गया, हमने उसकी ऐसी फिरकी ली की, लेकिन मुझे इस पे बड़ी दया आ रही थी। हाँ अच्छा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, किसी को तो शहीद होना ही था, तो वो हो गया। अच्छा सुनो, इससे पहले कि और कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, तुम बाकू को बुला लो, वो एल्बम लेकर नागिस्तान चला जाएगा, फिर सारी मुसीबत खत्म। ठीक है। अरे पिताजी। जी पिताजी। अरे बब्बल, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तेरे पास जो बड़ा वाला बैग है ना, वो मैंने दे दे। वो क्या है ना, हमारे बैग का हैंडल टूट गया। मैंने इसे कहा था कि बब्बल का बैग ले जा। छोरी, पलंग के नीचे जो बैग पड़ा है ना, वो खड़क को दे। एक और नई मुसीबत। हे नागोमी देव, अब कैसे बच्चों में इस मुसीबत से,
इनको भी आज ही वो बैग चाहिए था जिसमें मैंने वो एल्बम रखा था। छोरी जल्दी से बैग देना, इसे सामान भी तो रखना है। हाँ। लेकिन दादी वो बैग बड़ा नहीं, वो बहुत ही छोटा है। छोरी तू बैग तो निकाल के दे, इसे देखने दे, इसकी जरूरत के हिसाब से ठीक होगा तो ले जाएगा, नहीं तो कोई दूसरा इंतजाम करेगा। ये तने छोटा लग रहा है, हाँ? इसमें खड़क का सामान तो क्या पूरा का पूरा खड़क आ जाएगा। अच्छा इतना काफी होगा? अरे छोरे तू चिंता मत कर, मैं एडजस्ट कर लूंगा। एक बात कहूँ पिताजी, आप नया बैग क्यों नहीं ले लेते? हाँ नया नया सफर है, नया बैग तो बनता है पिताजी। अरे चुप कर बाबू। नहीं दादी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अब देखिए ना इतने मशहूर पहलवान और हाथ में ये पुराना सा बैग। नहीं दादी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चुप कर, एक दिन के सफर के लिए 1000-2000 का खर्चा करवाएगा के? खड़क यही बैग ले जा। ठीक है माँ, ले बब्बल बैग दे दे। ले ओ बब्बल, अरे बैग दे, छोड़ छोड़ छोड़। ये बावलापन कर रहा है तू? जीत गया। हाँ। चल चलो चल। इच्छा अगर पिताजी ने वो बैग खोल के एल्बम देख लिया ना तो तहलका, घर में तहलका मच जाएगा बब्बल जी। चलो हम भी चलते हैं। ये माँ कबड्डी का चैंपियन हूँ मैं। अरे तू तो हर चीज का चैंपियन है। जरा चेक तो कर लूँ सूटकेस को, कहीं से टूटा फूटा तो ना है। पहिए हैंडल वेंडल तो सब ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ कीजिए बब्बल जी, रोकिए पिताजी को, किसी भी तरह वो बैग उनसे वापस लेना होगा। ए माँ, सूटकेस तो लॉक है। इच्छा के पास इसकी चाबी होगी, मैं लेके आता हूँ। अब अब लो आ गए खुदी। जी दादी क्या हुआ? छोरी ये बैग लॉक हो गया है, चाबी तारे पास होगी, जा जाके ले आ। खो गई। ये? दादी इस बैग की चाबी खो गई है, इसलिए बैग ले जाने से मना कर रही थी मैं आपको। बस इतनी सी बात? सबल, ओ सबल। हाँ दादी। देखे बैग की चाबी इच्छा से खो गई है, नुक्कड़ पे चाबी वाला बैठा होगा, जा उसे ले आ, वो खोल देगा। ठीक है दादी। अरे दादी उसमें तो बहुत टाइम जाएगा, इससे अच्छा एक नया बैग खरीद लेते हैं ना, बैग का बैग हो जाएगा और पिताजी का काम भी हो जाएगा। छोरा तू फिर वही पट्टी पड़ा रहा है। अरे चाबी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे में बन जाएगी, 150 रुपए में हो जाएगा काम। सबल हाँ जा चाबी वाले को ले आ। ठीक है दादी। आप लोगों के हाथ में एग्जाम में फेल होके हमारी नाक मत कटवा देना। हेलो फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय।